नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। फटाफट नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। चुनावी रंजिश में मेहगांव क्षेत्र में खूनी संघर्ष, एक पक्ष ने की अंधाधुंध फायरिंग, 3 लोगों की हुई मौत। मेहगांव थाना क्षेत्र के पचारा गांव की घटना, पूर्व सरपंच के पति ने घात लगाकर की गोलीबारी, 2 चचेरे भाई और ताऊ की हुई मौत। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को बेलगावी जेल में बंद कुख्यात जैस कांता ने फोन पर दी धमकी। हत्या के मामले में सजा काट रहे गैंगस्टर, जिसने सरगना दाऊद इब्राहिम के नाम पर 100 करोड़ रुपए की मांगी है रंगदारी, रकम ना मिलने पर गडकरी की हत्या की दी है धमकी। रीवा जिले के रायपुर करछुलियान के पटना पहाड़िया के रहने वाले पार्थ पांडे ने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर दुबई की मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ रीवा में भरी स्टार्टअप की उड़ान। बेकरी के कारोबार में 2 दर्जन से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में बैंड पार्टी का नेतृत्व करेंगी रीवा की बेटी स्वेच्छा गुप्ता। बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी राजस्थान की छात्रा स्वेच्छा ने हासिल की है उपलब्धि। छात्रा के पिता सुनील गुप्ता रीवा जिले के समान थाना के हैं थाना प्रभारी। घर में घुसकर किशोरी के साथ 3 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, एक आरोपी गिरफ्तार। मऊगंज थाना क्षेत्र की घटना। रीवा जिले के चुराटा थाना क्षेत्र के ग्राम देवरा में चोरों का आतंक, लाखों रुपए की कीमती बिजली की तार किया चोरी। बिजली विभाग के कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, तलाश जारी। 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला। गढ़ थाना क्षेत्र के गुदरी गांव में हुई घटना, संजय पटेल की शिकायत पर राजकुमार तिवारी, राजकुमारी और एक अन्य के खिलाफ दर्ज किया मामला। वहीं दूसरे पक्ष से दीपक पटेल, संजय पटेल, जगदीश पटेल, छोटे लाल कुशवाहा के खिलाफ मामला दर्ज। कोटेदार ने 41,40,000 कीमती शासकीय खाद्यान्न का किया गमन, जांच के बाद दोषी पाए जाने पर खाद्य अधिकारी ने दर्ज कराई धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत शिकायत। गढ़ थाना क्षेत्र के सिरमौर शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन विष्णु पटेल के खिलाफ FIR दर्ज। घर में घुसे बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराया। लौर थाना क्षेत्र के पिपरिया निवासी कलावती साहू के घर हुई चोरी की बड़ी वारदात। राजस्थान के 5 शहरों में पारा माइनस, ओस जमी, कश्मीर के 12 जिलों में बर्फीले तूफान का अलर्ट। दिल्ली में पारा 1.4 डिग्री, NCR समेत उत्तर भारत के राज्यों में भीषण सर्दी। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के चलते राजस्थान में बढ़ी है सर्दी। मध्य प्रदेश में फिर लौटी शीतलहर, मौसम विभाग ने दी पाला गिरने की चेतावनी। पहाड़ों में बर्फबारी के चलते ठंड ने किया है कमबैक। रात का सबसे कम डिग्री तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ में किया गया रिकॉर्ड। वहीं नौगांव और ग्वालियर में भी एक समान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। प्रतापगढ़ में अभद्र टिप्पणी को लेकर तेली साहू समाज ने किया प्रदर्शन, जताया रोष, सौंपा ज्ञापन। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा तेली साहू द्वारा समाज पर एक प्रदर्शन के आयोजन में की गई थी टिप्पणी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत Think24 की 2 दिनी बैठक सोमवार और मंगलवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को किया उद्घाटन। बैठक में पर्यावरण, समस्त जीवन शैली, नैतिक मूल्य तथा सुमंगलमय युक्त वैश्विक सुशासन विषय पर देश विदेश से आए 300 से अधिक मंत्री, बुद्धिजीवी और विषय विशेषज्ञ प्लेनरी एवं पैरेलल सेशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और क्लस्टर ब्रीफिंग में करेंगे विचार मंथन। बिहार और केंद्र सरकार की तरह सरकारी चिकित्सकों के लिए समयबद्ध स्केल DACP की मांग को लेकर प्रदेश भर में चिकित्सक हुए एकजुट। चिकित्सक महासंघ DACP के लिए की आंदोलन की तैयारी। चिकित्सा बचाओ, चिकित्सक बचाओ यात्रा 27 जनवरी से होगी शुरू। मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सक संगठनों के सभी पदाधिकारी होंगे शामिल। 10 दिन तक चलेगी यात्रा। लगातार 4 से 5 बार जीतने वाली भाजपा की सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी करेगी पहले घोषित। स्थानीय और सक्रिय लोगों को मौका दिए जाने की कही गई बात। कांग्रेस ने कहा पहले दौर में 45 सीटें होंगी घोषित। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा रतलाम से भोपाल रवाना होने से पहले कांग्रेस की टिकट बंटवारे की रणनीति का किया खुलासा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ G20 के अंतर्गत Think20 विचार सत्र में भोपाल में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न प्रजातियों के लगाए पौधे। पौधारोपण में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन वेरी और मध्य प्रदेश नीति आयोग के प्रोफेसर सचिन भी रहे मौजूद। समलैंगिक होने के कारण भोपाल लिटफेस्ट में प्रवेश के लिए किया गया इनकार। फिल्म निर्माता ओनिधर का आरोप, उन्होंने कहा वह जानबूझकर समलैंगिक शब्द चुना क्योंकि यही कारण है कि उन्हें भोपाल में अपना भाषण देने की नहीं दी गई थी अनुमति। राहुल गांधी को मिला मूसेवाले के पिता का साथ। कांग्रेसी सांसद संतोष सिंह चौधरी के निधन के कारण 24 घंटे तक निलंबित रहने के बाद रविवार को खालसा कॉलेज मैदान से फिर शुरू हुई राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। यात्रा शुरू होने के बाद गायक सिद्धू मूसेवाले के पिता बालकौर सिंह भी राहुल गांधी के साथ कुछ दूर तक चले। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर बेड़िया थाना इलाके में एक के बाद 3 शव मिलने से सनसनी। पोस्टमार्टम के बाद घटना के कारणों का होगा खुलासा। मृतक महिला मिर्च मंडी में करती है मजदूरी। 28 साल की इस महिला का नाम बताया जाता है कोमलबाई। पुलिस ने महिला के 5 वर्षीय और 3 वर्षीय बेटे कार्तिक उर्फ नानी की भी लाश की बरामद। महिला का पति बल्लू उर्फ बलिराम फरार लोगों के द्वारा आत्महत्या करने या फिर शराबी पति द्वारा तीरों को कुएं में फेंकने की जताई जा रही आशंका।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लुधियाना में एक शख्स ने बटोरी खासा सुर्खियां। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जैसा दिखने वाले शख्स के साथ लोगों ने खिंचाई तस्वीर। हम शक्ल से मिले राहुल गांधी, फैजल ने कहा, लोग मुझे लगा लेते हैं गले, यह अल्लाह का है कर्म। स्टार क्रिकेटर कोहली और धोनी की बेटियों पर गंदे कमेंट करने वालों पर FIR, पुलिस ने ट्विटर को भेजा नोटिस। कमेंट करने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। सोशल मीडिया पर गंदे कमेंट करने वालों पर FIR हो गई दर्ज। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के ट्वीट के बाद पुलिस आई हरकत में, दर्ज किया मामला। साथ ही ट्विटर को अकाउंट की जानकारी देने के लिए भी जारी किया है नोटिस। बीते दिनों विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अपनी बेटी का दूसरा जन्मदिन मनाया था। उन्होंने बेटी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिस पर कुछ यूजर्स ने किया था अभद्र कमेंट। राजधानी शिमला के ढली थाना क्षेत्र के नेपाली मूल के व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या, उसके शव को वाहनों की पार्किंग में फेंका। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाकर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यति एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सहित 72 लोग सवार थे। हादसे में 69 लोगों की मौत की पुष्टि। इस हादसे में किसी के भी बचने की संभावना काफी कम। बिहार के कैमूर में बड़ा हादसा होने से टला। एक सीमेंट लोड ट्रक में लगी अचानक आग, ट्रक धू धू कर जलने लगा। आनन फानन में अग्निशमन विभाग को दी गई सूचना, जिसके बाद आग पर पाया गया काबू। लखनऊ के ठाकुरगंज थाने से एक व्यापारी की पिटाई का मामला आया सामने। दुर्गा प्रसाद नाम का व्यापारी फरियाद लेकर पहुंचा थाने। फरियाद लेकर पहुंचना युवक को पड़ा भारी। चौकी प्रभारी और दरोगा ने थाने में बंद करके की पिटाई। हरिद्वार में युवती को छेड़ने के मामले में लिया बड़ा रूप। गुस्साए वाल्मीकि बस्ती के युवकों ने मोहल्ले पांवधोई में आरोपी के इलाके में की तोड़फोड़ और मारपीट। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों के 100 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बाल बाल बचे। हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी समस्या, पायलट ने आनन फानन में हेलीकॉप्टर को सुरक्षित लैंड कराया। झारखंड के चाईबासा से एक चौंकाने वाली घटना आई सामने। नाबालिग लड़के ने पश्चिम बंगाल में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने के लिए चुराए 105 मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के दाम लगभग 20 लाख रुपए। रीवा के सिमरिया विधानसभा के ग्राम रुपौली में विक्षिप्त व्यक्ति ने मचाया आतंक। ग्रामीणों ने लगाए आरोप, विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा महिलाओं एवं बेटियों से गाली गलौज, राह चलते लोगों से मारपीट की घटना को दे रहा है अंजाम। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने 2024 लोकसभा चुनावों की शुरू कर दी है तैयारी। अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में आगे की चुनावी कार्यक्रम का रोड मैप भी किया शेयर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की जीत में अहम भूमिका निभाने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कर्नाटक में हुई सक्रिय। आने वाले कुछ महीने में प्रियंका गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते आ सकती हैं नजर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हो रही बद से बदतर। राज्य सरकार जनता की सुरक्षा में हो रही विफल। समाजवादी सरकार में अपराध नियंत्रण की जो प्रभावी व्यवस्थाएं थी उन्हें भाजपा सरकार ने किया बर्बाद। भोपाल में प्रदर्शन करते हुए करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लगाए अभद्र नारे। मुख्यमंत्री की मां को दी गाली, इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल। कहा, इन टिप्पणियों से उनकी अंतरात्मा में लगी है चोट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सड़क दुर्घटना से बाल बाल बचे। बिहार के बक्सर से पटना लौटते समय डुमराव के मठीला नारायणपुर पथ के सड़क पुल के नहर के कारकेड में चल रही कोरोन्स राय थाने की गाड़ी पलटी। उत्तर भारत में एक बार फिर भीषण ठंड और शीतलहर लौटने के आसार। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में अगले 2 दिन तक बढ़ेगी ठंड। आउटर रिंग रोड पर चिराग दिल्ली फ्लाईओवर को अगले माह के पहले सप्ताह में मरम्मत के लिए किया जा सकता है बंद। PWD सूत्रों का कहना है कि अत्यधिक उपयोग के चलते समय के साथ एक फ्लाईओवर के जोड़ों के बीच में लगे वाल्व समय के साथ हो जाते हैं कमजोर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हाल ही में दिल्ली में शामिल हुए अभिनेता कमल हसन ने कहा कि एकजुट भारत के लिए भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल, और कहा इस कदम को किसी पार्टी की तरफ उनके झुकाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मुरैना में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीर तोगड़िया ने दिया बड़ा बयान। कहा, लव जिहाद की घटनाओं के कारण सभी हिंदू परिवार हो रहे हैं चिंतित और दुखी। कहा, लव जिहाद के खिलाफ बने केंद्रीय कानून। मध्य प्रदेश में एक किताब पर सियासत गरमाई। किताब का नाम कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा। भारतीय जनता पार्टी के नेता किताब में लिखे गए कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पर हुए हमलावर। ओडिशा के पुरी में मकर संक्रांति के मौके पर भगवान जगन्नाथ की एक झलक पाने के लिए रविवार को मंदिर में सुबह से हो रही भारी भीड़। भीड़भाड़ होने के कारण 2 श्रद्धालु हुए बेहोश, जिनमें से एक था नाबालिग। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 के साथ। नमस्कार।